साइन टू से क्या होगा, दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया क्योंकि उसका राइट भी माइनस टेन है और इस इक्वेशन टू का भी राइट माइनस टेन है। तो जगह के आप देखिएगा 4b प्लस 10r यहाँ लिखा 4b प्लस r इक्वल टू b प्लस 4r आया, b प्लस 4r ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 जो था 4b प्लस r इक्वल टू माइनस टेन, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में b प्लस 4r इक्वल टू माइनस टेन, तो इधर भी राइट में माइनस टेन है, इधर भी राइट में माइनस टेन है, इसलिए 4b प्लस r इक्वल टू b प्लस 4r। अब देखिए b को इधर कर दीजिए, r को उधर कर ले, अरेंज कीजिए इसको, 4b प्लस p है तो माइनस पी इक्वल टू 4r तो माइनस r, 3p इक्वल टू 3r तो 3 कैंसिल हो गया तो p इक्वल टू r। प्रूफ आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, हमारे समझ से हमारी बात अगर सुन रहे होंगे तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ बच्चे नहीं सुने हैं तो इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपके तरफ से यस या नो कुछ आवाज आती नहीं है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन अगर दिया हुआ इफ x-2 and x-3 आर फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 22 और px² + 5x + 7 तो प्रूव दैट p इज इक्वल टू r। तो इफ केस 1 में इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ px तो दे रिमाइंडर क्या होगा, f2 = 0 क्योंकि x-2 आप देख रहे हैं तो रिमाइंडर में क्या लिखा गया, f2 = 0 पुटिंग p2 × 2² + 5 × 2 + r इसमें पुटिंग किए, इसमें क्या किए, कुकिंग किए, कुकिंग करने के बाद आपको मैं बोला कि 10 को राइट में रखना है, स्पेशल क्वेश्चन है, तो 4p + r इक्वल टू माइनस 10 करके इक्वेशन बना। फिर अगर सेकेंड का था x-1/2 अगर फैक्टर है तो क्या लिखेगा, p 1/2 b × 1/2² + 5 × 1/2 + r इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या किए, एलसीएम निकाला, 4 2 एलसीएम क्या हुआ, 4 हुआ, यहाँ बी लिखा गया +2 = 4 5 = 10 + 4 = 0 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचा, p + 10 + 4 = 0 10 कुछ 10 से हमको इक्वेशन बनाना है, इसलिए p + 4 + 10 क्या हो गया, -10 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे कि राइट में -10 इधर भी है और -10 सेकंड में भी है, तो 4p + r इक्वल टू p + 4r तो b को अरेंज कीजिए, अरेंज करने बाद 3p = 3r इसे p = 2r रिपीट भी कर दिए, आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बताने लायक था क्वेश्चन, जो आपका जो आप ही का क्वेश्चन बता रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया हुआ है, इस चैप्टर को बताने के बाद अब आप लोग फैक्टराइज में आइएगा, फैक्टर का मैं लास्ट क्लास ले रहा हूँ, इसका फैक्टर थ्योरम का जो जो क्वेश्चन था मुझे हमने बता रहे हैं आज, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होगी तो जो सिस्टम है ऑनलाइन का है ना, उससे क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है, उसको मैं सोल्व कर आपको भेज दूंगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट, यानी प्रूव दैट करना है आपको, प्रूव दैट वो भी क्वेश्चन प्रूव दैट का था, p = r ये भी क्वेश्चन प्रूव दैट है, प्रूव दैट x + a इज अ फैक्टर ऑफ x^(n) + a^(n) 4, यहां देखिए पॉइंट इंपोर्टेंस है, 4 any लिखा हुआ है, 4 any odd पॉजिटिव इंटीजर, odd
पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर एन एन के लिए ए भी जो है सो डेट है, तो आपको जो प्रूफ डेट क्वेश्चन इसमें और इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और पॉजिटिव इंटीजर पर। अब देखिए एक्स अगर सॉल्यूशन लिखिए अगर इफ एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस ए पर पावर एन तो देन ठीक है रिमाइंडर क्या होगा देन रिमाइंडर आपको लिखना पड़ेगा ये लाइन देन रिमाइंडर पी प्लस ए है तो क्या लिखाएगा माइनस ए पी रिमाइंडर क्या होगा जीरो। अब माइनस ए पुटिंग करेंगे क्या करेंगे पुटिंग करेंगे इसमें तो पी माइनस ए इक्वल टू माइनस ए पर पावर एन प्लस ए पर पावर एन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल शो करना आपको है अगर किसी नंबर में ठीक है वो ए जो लिखा हुआ है माइनस ए पर पावर एन आप दिखाई दे रहा आपको ने या माइनस वन इंटू अगर कर दें ठीक है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी नंबर से सपोज माइनस ए ठीक है इंटू अगर माइनस वन से क्योंकि देखिए पावर एन कर दें आपको क्या प्रॉब्लम है प्लस ए एन लिखा हुआ तो यहां पर जो ऐसे माइनस वन देखिएगा माइनस ए इंटू ए पर पावर एन इंटू माइनस वन पर पावर एन ठीक है अब प्लस क्या हो गया ए एन। यहां पर आप यहां किसी भी निगेटिव वर्ड ना सुनिए अगर किसी भी अगर निगेटिव जो है वर्ड रहेगा वर्ड पावर रहेगी वर्ड पावर अगर रहेगी यहाँ देखिए पावर क्या है यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ कि एनी ओड जो एन है से ओड इंटीजर है यानी क्या है ओड इंटीजर अगर माइनस वन पर अगर हम 15 भी रख देंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस वन ही आएगी। आप इस बात को कंफ्यूजन कर रहे होंगे फिर से बात समझा देते हैं कंफ्यूजन में मत रहिए फिर से बात चेक कीजिए कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं है। माइनस ए पर पावर एन दिया हुआ है प्लस ए पर पावर एन दिया हुआ है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर हम माइनस को अगर इसको इसको इस प्रकार से लिखें माइनस वन इंटू ए कर दें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पावर एन देते हैं दे प्लस ए पर पावर एन अब कोई कंफ्यूजन अगर माइनस वन इंटू ए लिखेंगे तो माइनस ए ही होगा। अब यहां देखिए इसको अलग कीजिए माइनस वन पर पावर वी एन हो गया अब प्लस ए पर इंटू इंटू ए पर पावर एन हो गया अब प्लस ए पर पावर एन है ही अब कोई कंफ्यूजन इसी बात को हम लिख रहे हैं तो ए एन क्या है दोनों ए एन जो ऐसे दोनों में कॉमन है देख रहे हैं ए एन बाहर निकाल लिया ए पर पावर एन बाहर निकाल लिया तो इसके पास क्या बचा माइनस वन पर पावर एन और प्लस यहाँ क्या बचा वन तो आप जानते हैं ए एन इंटू माइनस वन पर अगर और पावर रहेगा तो साइन क्या रहेगा वही रहेगी यानी माइनस वन ही रहेगी माइनस वन प्लस वन यानी माइनस वन प्लस वन इसका टू क्या हो गया जीरो यानी ए एन इंटू जीरो इसका टू जीरो इसलिए कहा जाता है इसलिए सो हो गया एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस सो वी कैन राइट सो वी कैन राइट वी कैन राइट क्या राइट कर लेंगे कि एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ एक्स एन प्लस ए एन कोई प्रॉब्लम बोलिए
नो सर। कोई प्रॉब्लम है? चेतना कनेक्ट हुई है? अनंत, अनंत कुमार, शुभम कुमार, शिवम कुमार और इस ब्रांच के बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम फेस टू फेस पहचानते, नाम हमको याद नहीं है। गुड पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चलता है, तो नाम याद नहीं है इस ब्रांच वाले को। हम सबको लाइक करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप, अगर हम पॉलिनोमियल से हम अगर फैक्टराइज में भी जाएंगे तो पीछे का भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन एक्सरसाइज लेकर अपना ग्रुप में डाल दीजिएगा। हम उसको क्या करेंगे, बनाकर उसको फोटो खींच कर हम डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है? तो अब फैक्टर थ्योरम का जो हमको लगा, जो जो क्वेश्चन पूछा जाता था क्लास में, क्योंकि हमको याद है कि बच्चे कौन कौन क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो ऐसे बताने का प्रयास करते हैं। दो को सो डेट क्वेश्चन था पी स्कल टू आर, वो बराबर पूछा जाता है, वो नया क्वेश्चन है, न्यू बुक में है, पुराने बुक में क्वेश्चन है नहीं, तो उसको मैं बता दिया हूँ। एक सो डेट वाला क्वेश्चन था, जो भी सो डेट वाला क्वेश्चन था सो बता दिया हूँ। ए और बी का वैल्यू कैसे निकालिएगा वो भी बता दिया हूँ। तो हमारे समझ से कुछ अपना स्वयं भी मेहनत कीजिए, कुछ अप्लाई कीजिए। आफ्टर डेट नहीं बनेगा तो फिर जो सिस्टम है ऑनलाइन का, उसमें से आपको जवाब हम देंगे। तो मेरे समझ से टाइम जो है से जो स्टार्ट होती है आप लोगों का 2:30 से 3:10 तक, तो घड़ी हम पूरा रहा है, टाइम ओवर हो गया क्लास का। विक्की सर होंगे तो हमारी बात सुन रहे होंगे। अब नेक्स्ट मंडे को जब मुलाकात होगी आपसे तो फिटराइज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग फिटराइज पहले से भी जानते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कोई और कोई दिक्कत बोलिए उधर से, अगर कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लास में बोलिए। ऐसी क्वेश्चन को आप समझा देता हूँ, हमको लगा कि बहुत क्लियर रूप से समझाएं इसको। यहाँ पर हम क्या किए हैं कि माइनस ए को आप -1 × 8 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पावर एन है तो -1 × (n) × a अब प्लस an था ही, an हम कॉमन ले लिया तो n बाहर निकल गया, तो इस पर क्या यहाँ क्या बचा इस टर्म में? -1 × n बचा इस टर्म में, यहाँ क्या बचा? 1 बचा। तो किसी भी अगर पावर ओड हो, पावर क्या हो ओड हो, तो क्या नेगेटिव नंबर पर अगर पावर ओड हो तो क्या होगा? -1 ही होती है, आप पहले जानते हैं। तो -1 और +1 होकर क्या होगा? 0 हो गया। तो an × 0 यानी 0 ही तो लाना था, यही तो शो करना था ही b − a = 0, 0 तो आ चुका है, इसलिए शो बी कैन राइट या बी कैन राइट x + a × n + a, ठीक है? हम तो रिपीट करके पूछ रहा हूँ, विक्की सर अगर होंगे तो हमारी आवाज सुन रहे होंगे, हम क्लास लीव कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ।